महिला आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति वंदन अधिनियम के दोनों सदनों से पारित होने के बाद शुक्रवार को भाजपा जिला कार्यालय में मातृशक्ति ने जश्न मनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल को जमकर सराहा। इस दौरान छतरपुर से भाजपा की प्रत्याशी ललिता यादव, महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नंदिता पाठक, नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया, विद्यार्थी परिषद की ओर से अंकिता विश्वकर्मा सहित सैकड़ों महिलाओं ने ढोल नगाड़े बजाकर नृत्य किया और प्रधानमंत्री का आभार जताया। अंकिता विश्वकर्मा ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कोई सामान्य कानून नहीं है, ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। उन्होंने कहा कि ये विकसित भारत के निर्माण की तरफ एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम है। ये एक ऐसा निर्णय है जिसमें देश का भाग्य बदलने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पास होने से चूल्हा चौका करने वाली महिलाओं को भी संसद में बैठने का मौका मिलेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों लोकसभा सहित देश की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया था। इसके बाद से पूरे देश की महिलाओं में उत्साह का माहौल है। किस तरह से आज जश्न मनाया गया भाजपा कार्यालय में, किस जैसे कि आज पूरे देश में